नमस्कार, स्वागत है आपका इन बेसिन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खिलाड़ियों का इस्तेमाल करी है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी की तुलना में राहुल अधिक बुद्धिमान है। राहुल गांधी एक अच्छे रणनीतिकार है। सिंगापुर के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि नापा टिकट कटने से नाराज थे। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद रहे वसंतराज चव्हाण की शोक सभा में शामिल होंगे। भारत ने क्लब थ्रो में डबल पोडियम फिनिश किया है। भारत के लिए धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वव संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दो दिनों तक चलेगी। अयोध्या के डीएम ने जमीन का सर्किल रेट 50 से 200% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। फाइनल रेट लिस्ट आज जारी हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे और शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है। कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता के पिता ने कहा कि इस केस को खत्म करने के लिए पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया था और उन्हें शांत रहने के लिए एक पुलिस अधिकारी ने पैसे की पेशकश की थी। त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बांग्लादेश की 13 साल की हिंदू लड़की अवैध रूप से भारत में घुसने की फिराक में थी, तभी फायरिंग हो गई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टी को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म इमरजेंसी के समर्थक में भड़काऊ सामग्री पोस्ट कर सिखों तथा मुसलमानों के बीच सौहार्द खराब करने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने एक सोशल मीडिया को गिरफ्तार किया है। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि रामगिरी महाराज ने इस्लाम के खिलाफ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, यह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि इस सरकार को राज्य की सत्ता से हटा दे। घरेलू शेयर बाजार में जोरदार बढ़त देखी जा रही है और आज मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है। इसके अलावा BSE और NSE के प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड हाई के करीब है। कई सालों से शेरा सलमान खान के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू में शेरा ने कहा कि जैसे मैं सलमान खान को मैनेज करता हूँ, कोई और नहीं कर सकता है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।